हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जहां का वीज़ा इस वक्त बहुत आसानी से मिल रहा है। साथ ही जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, वहां पर नॉर्मल मजदूर की तनख्वाह 3500 यूरो है। दोस्तों, उसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तो तकरीबन 12 से 13 लाख रुपया बनता है और इंडियन रुपीज़ के अंदर 6 से 7 लाख रुपया कम अज़ कम बन जाता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करूँ तो दुनिया के टॉप 10 ममालक की लिस्ट के अंदर आता है। यानी इससे मुराद है कि जिसके पास उस मुल्क का पासपोर्ट होता है, ये बंदा जो है वो दुनिया के 180 या 85 ममालक के अंदर या तो वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है या वीज़ा फ्री जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको तमाम मालूमात दूंगा वहाँ कौन कौन सी जॉब्स हैं। आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं या आपने डिप्लोमा कोई किया हुआ है या डिग्री की हुई है, तो आप 3500 से ऊपर जो है वो सैलरी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, ये भी आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो आपने देखना इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं उसका नाम है लक्ज़मबर्ग। दोस्तों, इस वक्त बहुत ज़्यादा वीज़े लग रहे हैं और एम्बेसी के अंदर भी कोई रोक टोक नहीं है। ऑफ़र लेटर भी आसानी से आ रहे हैं और वहाँ पर इस वक्त जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये आगाह कर देता हूँ कि जॉब्स कौन कौन सी हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो उनके हवाले से कौन सी जॉब्स हैं, और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, या आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, ऑटोकैड जानते हैं, CNC जानते हैं, या आप ग्राफिक डिजाइनर का डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इस वक्त अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। तो कम पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके लिए यह है कि जो लोग मैट्रिक से कम पढ़े लिखे हैं उनके पास अगर कोई स्किल है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। उसको आप जल्दी से इंटरनेशनल करवा लें और उसके बाद आप अप्लाई कर लें। टैक्सी ड्राइवर्स की जॉब्स हैं। टैक्सी ड्राइवर्स की जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? आप एक तो होटल्स के साथ अटैच हो सकते हैं, क्योंकि लक्ज़मबर्ग बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत ज़्यादा लोग रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ जो है सैर व तफरी के लिए आते हैं। तो उनको एयरपोर्ट से लेकर होटल्स तक और होटल से लेकर एयरपोर्ट तक जो है वो लेने और छोड़ने का काम एज अ टैक्सी ड्राइवर आप कर सकते हैं। इसके अलावा होटल्स के अंदर जो जॉब्स हैं वो है शेफ़ की जॉब है, वेटरिंग की जॉब्स हैं, और इसके अलावा क्लीनिंग की जॉब्स हैं, और ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर एज अ सेलमैन भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश जो है वो बोलनी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आप सीख लें। अगर आपको नहीं आती तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं इंग्लिश को, थोड़ा बहुत ये है कि आप अपनी बात कह सकें और अगले की बात समझ सकें। इसके अलावा वेल्डिंग का काम अगर आप जानते हैं, प्लम्बरिंग का काम आपको आता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन का काम आप जानते हैं, AC फ्रिज का काम अगर आप जानते हैं, पाकिस्तान में जैसे या इंडिया में आप लोग जैसे आप काम कर रहे हैं, मैकेनिक का काम अगर आप कर रहे हैं, गाड़ियां ठीक करने का काम आपको आता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप ऑपरेटर हैं, क्रेन ऑपरेटर हैं आप, या आपको लिफ्टर चलाना आता है, आप किसी भी हवाले से आपने इसका कोई कोर्स किया हुआ है साल का, 2 साल का, या आपके पास उसका कोई लाइसेंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम शोबे मैंने बताए हैं जो ये अगर आपके पास ज़्यादा तालीम नहीं है, स्किल है, तो आप इन शोबों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास DAE आपने किया हुआ है, डिप्लोमा है आपके पास, या इंजीनियरिंग आपने डिग्री की हुई है, या मेडिकल फील्ड के साथ आप किसी हवाले से भी अटैच्ड हैं, वार्ड बॉय हैं या डिस्पेंसर हैं, या आप जो है वो नर्सिंग का काम, मेल नर्स हैं, फीमेल नर्स हैं, आप वहाँ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। IT की बे इंतहा जॉब्स हैं। एक तरक्की याफ्ता मुल्क है ये और बेस्ट सैलरी देने वाला मुल्क है, हाई पेइंग कंट्री है। दुनिया के जो ज़्यादा सैलरी देने वाले कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट के अंदर टॉप पर आता है ये मुल्क।
इसके अलावा अब बात करते हैं जी, आप वहां पर कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जॉब्स का तो मैंने बता दिया। जॉब हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक दो लिंक या कुछ ज्यादा मैंने दिए हैं, लेकिन ये आखिरी लिंक नहीं है दोस्तों। आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किसी भी अच्छी फर्म के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो कंसल्टेंट लोग हैं वो ऑफर्स देते रहते हैं, आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपका खर्चा बहुत माइनर आएगा, यानी यह है कि जितने सऊदीया दुबई के ऊपर आपने पैसे लगाने हैं उन्हीं पैसों के अंदर आप यूरोप के इस कंट्री जा सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर वीजा फ्री आपको मैं ये कहूँ तो ये है कि ये बाय चांस या लक हो सकती है कि वीजा फ्री आपको मिल जाए, लेकिन 100 में से एक आधे बंदे को मिल सकता है, सबको वीजा फ्री नहीं मिलता। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल ही वीजा फ्री आपको मिल जाए, लेकिन चांस जरूर है, मिल भी सकता है। तो दोस्तों यह कि आपने सिंपली अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपके पास यूरोपियन फॉर्म के अंदर एक तो सीवी बनी होनी चाहिए और साथ ही कवर लेटर आपने यूरोपियन फॉर्म के अंदर बनवा लेना है। सीवी के ऊपर आपने क्या लिखना है जी, आपने अपना नाम, एड्रेस और अपनी स्किल और कॉन्टैक्ट नंबर वो देना है जो आपका चल रहा हो, व्हाट्सअप नंबर जिस पे बना हो, और साथ ही जीमेल आपने वो देनी है जो चल रही हो, ऑन हो। एम्प्लॉयर आपसे रब्ता करेगा, टाइम बना के वो आपसे इंटरव्यू करेगा, जैसे ही कोई वैकेंसी बनती है वो आपसे रब्ता करते हैं, और अगर आप उनको सेटिस्फाइड कर लेते हैं, इंटरव्यू तो लाजमी है दोस्तों, क्यों, क्योंकि एक बंदे ने हायर करना है तो उसने ये चेक तो करना है ना जो आपने लिखा है कि इसको ये आता भी है या नहीं, उसके बाद वो आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। ऑफर लेटर आने के बाद क्या प्रोसेस है ये ज़रा समझ लें। सिंपली आपने वो ऑफर लेटर लेना है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, वैलिड वो कंसीडर किया जाता है जिसकी 6 माह एक्सपायरी रहती है, और उसके अलावा आपके पास वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स जो है वो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट लग्जमबर्ग का आपके पास होना चाहिए। ये कहाँ से बनता है, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, तो ये है कि पुलिस खिदमत ऑफिस से बन जाता है। और उसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो जो भी लग्जमबर्ग के साथ अटैच डायग्नोस्टिक सिस्टम लेबॉरेटरीज वगैरह पूरा एक सर्कल होता है वहाँ से आपने करवाना है, हर जगह का काबिले कबूल नहीं होता, तो वहाँ से करवा के ये सारे कागजात मुकम्मल करके आपने वीज़ा फीस जो है वो एम्बेसी की पे करनी है, वो तकरीबन 400 से 500 यूरो तकरीबन है, इससे भी कम हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है, ऊपर नीचे जाती रहती है। तो आपने वो पे करके आपने अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, सिंपली वो आपसे जो है वो कुछ सवालात करेंगे, ऑफर लेटर आपका देखेंगे, और उसके बाद 25 से 30 दिन के वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका वीज़ा जो है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बेहतरीन ऑप्शन है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये देने का पर्पज़ ही होता है ताकि आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो बता दिया जाए। और दूसरी बात यह, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि आप लोग कैसे जॉब वहाँ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का दौर है और बहुत सारे काम जो है वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, और इस तरीक़ाकार से आप अगर कोशिश करेंगे, खुद कोशिश करते रहना चाहिए, कम अज़ कम अच्छा ऑप्शन ज़रूर जो है ना वो एक ना एक दिन बंदे को मिल जाता है, और कोशिश ही नहीं करेंगे सिंपली घर बैठे तो कुछ भी मिलना नहीं है। और ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, जो 50 लाख 60 लाख रुपया नहीं लगा सकते, वो 4-5 लाख रुपया लगा कर जो है इस तरीक़ाकार से यूरोप के इस कंट्री जा सकते हैं। तो दोस्तों इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। शुक्रिया।